कि जबकि वो माधुरी स्पेशल चल रहा है? एक्चुअली मैं गाना गाना बहुत पसंद करता हूँ, बट लिरिक्स के साथ, जैसे मेरे स्टेप्स के साथ प्रॉब्लम होते हैं, लिरिक्स के साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। कोई नहीं, हम गाना गैस कर लेंगे। हाँ, भावना भावनाओं को समझो बस। भोली सी सूरत, आंख में मस्ती, हाय हाय। भोली सी सूरत, आंख में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखला के कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। थैंक यू। चलिए, आपने अपनी बटरिंग तो कर दी, लेकिन देखते हैं डांस कैसा लगा। माधुरी, शुरुआत आप ही से करेंगे। ये गाना देख के मुझे दम दमादम, जो गाना है, पहली बार किसी हिंदी फिल्म में, फिल्म रिलीज होने के बाद, वो हिट होने के बाद ये गाना पिक्चराइज किया था, और वो भी रात को 12 बजे के बाद किसी मॉल में हम लोग कर रहे थे। और हम लोगों ने हमने इतना कोसा था इंदु जी को, क्या कर रहे हैं आप, फिल्म तो हिट हो गई, अभी और क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कुछ चाहिए मुझे उसके लिए। और मैं और आमिर ने ये गाना किया था। गाना करते 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 कुछ कंपटीशन सा हो गया था हम दोनों में, और बहुत मज़ा आया था करके। और वही मज़ा मैंने देखा आप दोनों में, जो इंटरेक्शन थी बहुत अच्छी थी, एक सेंस ऑफ कंपटीशन था उसमें। और सभी गाने, वृशाली आप तो अच्छी डांसर हैं ही, लेकिन आप भी, दया, मैंने देखा कि आज ज़रा स्माइल कर रहे थे बीच बीच में, अच्छा लगा देखकर। और वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। आपने गाया तो कहते हैं हंसी तो फंसी। मज़ा आया बहुत। वृशाली, आप बहुत ही बढ़िया डांसर हो, बहुत ही ग्रेसफुल है, इनके जो एक्सप्रेशंस हैं, इनके जो मूवमेंट्स हैं, सबको मज़ा आता है जब आप डांस करते हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ दया जी, काश आपके जो स्टेप्स हैं, एक एपिसोड में, बस एक ही परफॉर्मेंस में, शुरू से एंड तक आप सारे स्टेप्स याद कीजिए मेरे लिए, बस एक बार। अगर आप वो कर पाओगे ना, यू विल गेट 10/10 फ्रॉम मी, आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू। आपने पहले एपिसोड में हमको दिखा दिया कि आप डांस कर सकते हैं, तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, सो आई वुड लाइक यू टू बी अ डांसर नाउ। डांस पे ज़्यादा ध्यान दो। लिफ्ट्स हम देख चुके हैं कि दया कर सकता है। नाउ वी वुड लाइक टू सी अ फुल ऑन डांस। दया, प्रॉमिस मी। ऑलराइट दया, स्माइल करते हुए ऊपर जाइए, स्कोर सुमित बताएंगे। ओ मेरे दया, क्या डिसाइड करो कहाँ पे खड़े रहोगे यार, पास जितना बेहतर उतना पास आओ दो। अब जजेस, स्कोर्स दीजिए प्लीज। रेमो डिसूजा, माधुरी दीक्षित, मलाइका अरोरा खान। वैसे एक बात आप सबको बता दें कि हमें लाखों चिट्ठियां आई हैं, और उन चिट्ठियों में बस एक ही सवाल है माधुरी के लिए। सारे फैंस जानना चाहते हैं कि आप फिल्मों में वापस कब आ रही हैं। When will we get to see you? जैसे ही मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा और मैं सोचूंगी कि ये अगर मैं फिल्म करूं तो मेरे फैंस को मजा आएगा, तब मैं करूंगी फिल्म। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने आपके साथ बिहाइंड द सीन्स काम किया है, और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हैव अ लुक। हेलो मैम, आई जस्ट वांट टू से दैट द नेम माधुरी दीक्षित इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। देयर नेवर हैज बीन और विल एवर बी समबडी मोर ब्यूटीफुल देन यू। Not many people know this, but you have been such a huge inspiration for me in my life. When I was an assistant, and even now, you made my life and my days wonderful then, because you were there, present, and you still make my days wonderful because you're still, you know, here. I love you so much, and please continue to inspire us, all of us. The entire world is absolutely crazy, insanely, madly in love with you. Your dancing is something that is still a mystery, you know, to me. I don't know how you do that. I still watch and pause and rewind and forward and playback and all that. I still don't understand it. But that is what makes you you, is that you are full of that
there's a mystery about you, and I don't think the world or the universe will ever, you know, discover what that mystery is. You know, you are, and you always will be the most beautiful for me. जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सी पिक्चर में इन्होंने बिहाइंड द सीन्स आपके साथ काम किया है। मैंने उनके पिताजी के साथ फिल्म की थी, 3 फिल्में की हैं मैंने, कृष्ण कन्हैया, खेल और कोयला। और ये तीनों फिल्म्स में ऋतिक यूज्ड टू बी एज एन असिस्टेंट। तो एक बार खेल की शूटिंग चल रही थी और हम लोग नैरोबी में शूटिंग कर रहे थे वहाँ। आई वॉज जस्ट टेकिंग अ वॉक आउटसाइड बिकॉज वी हैड पैक्ड अप अर्ली दैट डे। और चलते चलते ऐसे ही मुझे ना डायलॉग सुनाई दिए कहीं से, और वो भी अनिल जी के डायलॉग से फिल्म में के। तो मैंने बोला, अनिल जी आजकल इतनी मेहनत करते हैं, मतलब शूटिंग पैकअप हो गया फिर भी रूम में जाके वो डायलॉग्स बोल रहे हैं। लेकिन आवाज़ अलग थी, तो मैंने बोला है कौन। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स दैट रूम एंड आई सॉ ऋतिक इनसाइड द रूम, और वो खेल के वो डायलॉग्स ही वॉज रिहर्सिंग कि अगर वो एक्टिंग करते थे वो कैसे वो बोलता। वो कह रहे हैं मुझे, यू नो, देयर इज अ मिस्ट्री टू योर डांसिंग, आई वुड से देयर इज अ मिस्ट्री टू हिज डांसिंग टू, बिकॉज आई थिंक ही इज सच अ मार्वेलस डांसर। व्हेन ही डांसेस इट्स लाइक पोएट्री, और आई रियली एंजॉय वॉचिंग हिम, एंड मे बी समडे मे बी वी माइट डांस टुगेदर, हाउ अबाउट दैट। आई होप वो दिन बहुत जल्द आए। हाँ जी, तो माधुरी दीक्षित के चार्म का, उनकी स्माइल का बुखार तो बस 102, 103, 104, 105 डिग्री पर पहुंच चुका है। इसके बाद आने वाले परफॉर्मेंसेस से शायद यहां का एसी और थर्मामीटर दोनों ही टूट जाए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। वेलकम बैक टू मैट फॉर माधुरी स्पेशल ऑन झलक देख लाजा। और अब हमारी अगली सितारा वो हैं जिनका बचपन से सपना था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं, और दुनिया के किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन माधुरी दीक्षित के लिए जरूरी है कि वो क्लासिकल डांसिंग में चैंपियन हो। पर हमारी अंकिता नहीं है। इसके बावजूद माधुरी के लिए प्रेम के खातिर उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि वो उन्हें इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करेंगी। क्या ये कर पाएंगी? प्रेजेंटिंग अंकिता लोखांडे और उनके पार्टनर निशांत। मैं सेमी क्लासिकल कर रही हूँ। बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि माधुरी मैम एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर हैं और आई एम नॉट अ क्लासिकल डांसर। बहुत सारी गलतियाँ होंगी मुझे पता है, तो पॉस्चर्स में और हैंड मूवमेंट में, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। 1 2 लेफ्ट राइट लेफ्ट सरक 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 सरक
दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन जियरा गयो धड़क 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 धड़क। Fabulous. आपको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आपको क्लासिकल डांस आता नहीं है। You were very good. Thank you. तो शुरू माधुरी से ही करेंगे। कैसा लगा आपको ये डांस? बहुत अच्छा किया अंकिता। आप ट्रेन क्लासिकल डांसर नहीं हैं। No, ma'am. फिर भी आपने वो मुद्राएं जो की अच्छी की। सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, जो हाथ कभी इतना स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा कर्व रखना। मैं थोड़ा नर्वसनेस में हाथ सीधा हो गया। बहुत अच्छा किया, जो क्लासिकल टच रखा, जो बीट्स पकड़े बीच बीच में, वेरी नाइस। क्लासिकल डांसिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैं 3 साल की थी जब मैंने शुरू किया था सीखना। 8-9 साल तक तो मैं सीखी हूँ कथक, और उसके बाद फिर वंस आई केम इन टू फिल्म्स तो थोड़ा वो नाता छूट गया। लेकिन ये जो 2 गाने आपने परफॉर्म किए, इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। पहला तो बड़ा दुख दीना राम लखन का गाना था। तब तक मैंने सब फिल्मों में थोड़ा फिल्मी डांसिंग ही किया था, बॉलीवुड डांसिंग कहते जिसे। लेकिन ये गाना मेरा पहला गाना था जिसमें थोड़ा कथक बेस था, और सरोज जी ने इसे कोरियोग्राफ किया था। आई वॉज वेरी थ्रिल्ड ऑन द सेट्स, क्योंकि इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं सेट पे गई तो मुझे पता था ये गाना मैं अच्छा कर सकूँगी, क्योंकि ये मैं करती हूँ। जैसे कथक में होता है ठुमरी, जहाँ भाव होते हैं और उससे यू एक्सप्रेस एवरीथिंग। तो पहली बार मेरे लिए प्लेबैक सिंगिंग था वो लता बाई ने दिया था, और वो इज एन अल्टीमेट इन हर फील्ड। और उसका भी मुझे बहुत आनंद था उस दिन कि मैं लता जी की आवाज़ में मैं ये गाना आई एम गोइंग टू यू नो डू इट। और सेकंड जो गाना आपने किया ढाई शाम रोक ली, वो एक और कथक के बहुत बड़े 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 गुरुजी हैं, बिरजू महाराज जी, जो मेरे लिए वो अल्टीमेट कथक डांसर हैं। और जब मैंने ये फिल्म की तो संजय जी ने कहा था कि एक गाना मुझे महाराज जी से करवाना है, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। यस यस आई नो हिम, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, और मैं मीटिंग कराती हूँ और एवरीथिंग। एंड फाइनली वी वेंट ऑन टू द सेट्स, और महाराज जी ने ये पूरा डांस बिठाया। आई थिंक इट वाज द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज सिटिंग देयर एंड वॉचिंग हिम परफॉर्म। जैसे लोग मेरे फ़ैन हैं, मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ महाराज जी की। मुझे इतना आनंद मिला आपको देखकर, और बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। मैं वो ढाई शाम रोक ले बोल दूंगी आपके लिए, फॉर यू, फॉर यू स्पेशल। प्लीज प्लीज प्लीज। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, औचक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मुरी चुनरी गई, हाँ गई गई, सर से मुरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक। This is it! मलाइका, आपको कैसा लगा ये डांस? माधुरी जी, आपका डांस बहुत अच्छा लगा। आप किसके बारे में बोल रहे थे? मुझे तो आपके बारे में मुझे बोलना है। अंकिता, यू वर ब्यूटिफुल, यू वर वेरी वेरी स्टनिंग टुडे। जितने भी जो स्टेप्स थे, मुद्राएं थे, आपके जो एक्सप्रेशंस, जो टर्न्स थे, दे वर वेरी 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 ग्रेसफुल। एंड फॉर मी आई थिंक एक ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन, जैसे एक स्क्रीन पे करते जब जो भी चीज़ अगर ब्यूटीफुल लगे, ऑटोमेटिकली आपका मतलब हार्ट छू जाता है, मैं और दिल पे छू जाता है। एंड यू वर ब्यूटीफुल, द टू ऑफ यू वर स्टनिंग। थैंक यू। आई वुड से वेल डन अंकिता। थैंक यू, वेरी नाइस, इट वाज ब्यूटीफुल। निशांत, आपका जो कॉम्बिनेशन लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका बहुत अच्छा कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी की, और आपने बहुत अच्छा इसको किया। तो ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एंड ब्यूटीफुल एक्ट। थैंक यू सर।